नमस्ते बच्चों, आज हम मीरा की भक्ति भावना पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख भक्त कवियत्री के रूप में मीराबाई का स्थान सर्वोच्च है, जिन्होंने जीवन की सभी कठिनाइयों को शिरोधार्य करते हुए कृष्ण की भक्ति के लिए राजपाट, धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ त्याग दिया। आधुनिक युग में मीरा भाई के पद भक्तों को रस में डुबो देते हैं, साधकों में ज्ञान, भक्ति, अलौकिक प्रेम, शांति, मधुरता और कोमलता से युक्त उनके पद उन्हें पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मीराबाई के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान में जोधपुर के समीप मेड़ता नगर में रतन सिंह के घर हुआ था। मीरा की माता का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था। रतन सिंह युद्धों में व्यस्त रहने के कारण इनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव दूदा जी, मीराबाई के जो दादा थे, उन्होंने मीराबाई का पालन पोषण किया। सन 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह संपन्न हुआ, किंतु विवाह के कुछ समय पश्चात भोजराज एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जीवन के एकाकीपन को मीरा ने अपने गिरिधर गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया। मीराबाई का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भक्ति के प्रति तन्मयता का था। ईश्वरीय प्रेम एवं एकाग्रता ने उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिसमें मीरा कृष्ण के प्रेम में विभोर रही। उनका रोम रोम कृष्णमय हो गया और उनकी भक्ति सहज भक्ति के रूप में सर्वत्र प्रवाहित हो चली। उनके काव्य में प्रेम की अखंडता हमें दिखाई देती है। देखिए, सहज भक्ति का एक उदाहरण, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं पहिर कुसुम्भू सारी, जोगी आया जोगन जोग करन को तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आए वृंदावन के वासी, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा हृदय रहो जी धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीनो जमुना जी के तीरा। देखिए कितना खूबसूरत पद है। मीराबाई के पदों में अपूर्व आत्मसमर्पण का भाव है। देखिए, अब इनकी पहले सहज रूप में भक्ति का रूप देखा, अब आत्मसमर्पण का जो इनका रूप है, जो भाव है, उसमें भी अपने उनकी जो एक शैली है, उनकी जो एक भक्ति है, वो अन्य कवियों से बिल्कुल जुदा है। मीरा के प्रेम में विरह व्याकुलता न होकर सहज और साक्षात्ता है। मीराबाई अपनी सुध बुध भूलकर निरंतर कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। वे कहती हैं, महारारी गिरधर गोपाल दूसरो दूसरा न क्यों, दूसरा ना क्यों साधा सकल लोक लाज जुआ, भाया छाड़या बंधु छाड़या छाड़या सगा सोई, सांधा ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भक्त देख्या राजी हुई जगत देख्या रोई, धधी मत घृत काड लाया डार दया छुया, राणा विश्रो प्यालो भेजा पिए मगन हुआ, मीरा री लगन लग्या
हुड़ हो जो हुआ। मीरा के काव्य में माधुर्य भाव भक्त की चित्तवृत्ति को, पाठक की चित्तवृत्ति को उसे प्रवाह में बहाए ले जाता है। कृष्ण के विरह में अपने हृदय की कोमल करुण अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए मीरा के आंसू अमृत तुल्य हैं। मीरा प्रभु से अपने को जोड़ते हुए किस तरह से अपने उद्गार व्यक्त करती है, तुम जीमो गिरधर लालची, मीरा दासी अरज करे छे, सुनिए परम दयाल जी, 56 भोग 3600 व्यंजन पावो जन प्रतिपाल जी, राज भोग आरोगो गिरधर सन्मुख राखो थाल जी, मीरा दासी चरण उपासी कीजो बेग निहाल जी। अगर प्रभु नहीं ग्रहण करेंगे तो मीरा भी उपवास रख लेगी। ये माधुर्य भक्ति की अपनी विशेषता है। जब परमात्मा के अस्तित्व में भक्त की श्रद्धा अपने आप उसमें समाहित हो जाती है और वो परम को स्वयं अपने भीतर महसूस करने लगता है और उसे प्राप्त कर लेता है, तभी मीरा भाव विभोर कर कहती है, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, किरी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में समय खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बदत सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर परि आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। भक्ति की यह यात्रा अनंत होती है। यह तभी संभव है जब सत्य की नाव पर स्वयं खेवटिया सतगुरु हो और वही साधक संसार रूपी भवसागर को पार ले जाता है। मीरा की भक्ति भाव में जहाँ हमने सहज भाव, आत्मसमर्पण भाव, माधुर्य भाव देखा, वही एक रूप देखते हैं कि कवि मीरा की पदों में प्रकृति अपने सहज, सघन और व्यापक रूप में मौजूद है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, बिजली, धरती, आकाश, बादल, जंगल, समंद्र, महल, अटारी, वस्त्र, आभूषण, सभी मीरा की कविता में पूरे उत्साह के साथ, पूरे आग्रह के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। एक जगह जब मीरा लिखती हैं, पिया मोही दर्शन दीजे हो, बेर बेर में टेरे हूँ या कृपा कीजे हो, जेठ महीने जल बिना पंछी दुख होई हो, मोर असाड़ा कुरले घन चात्रक सोई हो, सावण में झड़ लाग्यो सखी तीजा खेल हो, भादर वे नदियां बहे दूरी जिन मेले हो, सीप स्वाति ही झेलती आसोंज सोई हो, देव काती में पूजे मेरे तुम होई हो, मंगसर ठंड बहुती पड़े मोही बेगी संभालो, पोस मही पाला घड़ा अभय तुम नालो हो, महा नहीं बसंत पंचमी फागा सब गावे हो, फागुन फागा खेल बनराव जरावे हो, चैत चित में उपजी दर्शन तुम दीजे हो, बैसाख बनराई फूलवे कोयल कुर लीजे हो, काग उड़ावत दिन गया बूझू पंडित जोशी हो, मीरा विरहण व्याकुली दर्शन कद होसी हो। प्रकृति के हर पक्ष को एक विरहणी के रूप में उन्होंने व्यक्त करते हुए अपनी भावना, अपनी संवेदना पूर्ण सूक्ष्मता के साथ व्यक्त की है। वहीं राज धर्म और लोक सत्ता के विरुद्ध पूरी मुखरता के साथ उनके स्वर निकलते हैं। मीरा की कविता में व्यवस्था के प्रति असंतोष, विद्रोह का जो उग्र और मुखर स्वर मिलता है, वो अपने आप में जुदा है। वह सामंती व्यवस्था के धर्म दर्शन
और लोग द्वारा मान्य स्वार्थपूर्ण हित संबंधों को सीधे चुनौती देती हैं। उनको लेकर उसमें गहरा उग्र असंतोष मुखर होता है। उसका विद्रोह उस राज धर्म लोकसत्ता के विरुद्ध है। वह अपने शत्रु मेवाड़ के शासक को चुनौती देती हुई कहती हैं कि तुम जानो राणा घर अपनो, मेरी तेरी नहीं सरी। वहीं सत्ता को ललकारने का उनका स्वर दिखाई देता है, जो चुनौतीपूर्ण उग्रता से भरा है कि राणो महारो काई कर लेसी, मीरा छोड़ दई कुल लाज। और इसी तरह से वो राणा जी को कहती हैं कि राणा जी थे क्या ने राखो महासु बैर, थे तो राणा जी म्हारे इसड़ा लागो जो ब्रच्छन में कैर। इसी तरह वह एक जगह और कहती हैं, थारा देश में साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो। दो टूक बात में वो हर कमी को बताने में पूरी निर्भीकता से उसे व्यक्त करती हैं। मीरा की भाषा के बारे में अगर विचार करें तो मीरा की भाषा सहज रूप में है। उसमें मुहावरे अपने समकालीन स्थानीयता को लिए हुए हैं। मीरा के संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय जो तथ्य है उस पर माधव हाड़ा जी लिखते हैं कि गूढ़ आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए भी संत भक्तों की रूढ़ अभिव्यक्ति और भाषा रूपों का सहारा नहीं लेती। यहाँ भी वह अपने स्त्री लैंगिक और दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुओं को ही सादृश्य और बिंब प्रतीकों के रूप में चुनती हैं। उनका मुहावरे पूरी तरह स्थानीय और निजी हैं। कांकण, कंगन, मूंदरो, अंगूठी, घाघरो, लहंगा, दुलड़ी, दोलड़ी, दोवड़ो, अखोठा, बेसरीनत, चूड़ो हाथ, इस तरह से रोज बढ़ते जाने वाले आभूषण और वस्त्र ही उनकी गूढ़ आध्यात्मिक अनुभूति और बिंब प्रतीक बनते हैं। जहाँ वो कहती हैं एक जगह कि अपने उनकी खास बात यह है कि आध्यात्मिक संबंध के लिए इस तरह के मेवाड़ जो मारवाड़ में प्रचलित जो स्थानीय प्रतीक थे उन्हीं को उन्होंने अपनाया। अपनी शब्दावली और भाषा को गढ़ते हुए वो कहती हैं कि बड़े घर ताली लागी रे, महारा मनरी उणारथ भागी रे, छिलरियो महारो चित नहीं रहे, डावरिये कुण जाव, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाई मिलूं दरियाव, हालया मोलया सु काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार, कामदार सु काम नहीं रे, मैं तो जाया करूं दरबार, काथ कथीर सु काम नहीं रे, लो चढ़े सिर भार, सोना रूपा सु काम नहीं रे, म्हारे हीरा रो बोपार, भाग हमारे जागियो रे, भयो समुंद सुसीर, अमृत प्याला छाड़ी के कुण पीवे कड़वो नीर, पीपा को प्रभु परचो दीन्यो, दिया रे खजीना पूर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घणी घणी मिला छे हुजूर। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा का लौकिक प्रेम किस तरह से अलौकिक प्रेम में परिणत होता गया और उनकी माधुर्य भक्ति के दिव्य आलोक में वह और आलोकित होता गया। मीरा ने अपने हृदय की कोमल माधुर्य करुण भावनाओं को प्रेम, आस्था, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के सूत्र में बांधकर कृष्ण की आराधना की है। भावों की प्रबलता में लोक मर्यादा, शब्द, नियम खोखले हो जाते हैं। वही भाव आंसू के रूप में प्रकट होते हैं। मीरा के प्रेम में श्रद्धा, समर्पण एक निष्ठा से प्रमाणित होता है कि वे स्वयं कृष्णमय हो गई हैं। कृष्ण में मीरामय, मीरा में कृष्णमय, और यही मीरा की पहचान है। आभार।